ओके, तो इस फिगर को हम देख चुके हैं कि 0 से लेकर 180 के बीच के डिग्री के बीच का ये जो ग्राफ तैयार हुआ है ये है। अब थोड़ा सा हम थोड़ा मॉडिफाइड करते हैं और एक नया केस लेते हैं, द डबल एक्टिंग सिंगल सिलेंडर स्टीम इंजन। डबल एक्टिंग सिंगल सिलेंडर, इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम समझा देंगे क्या होता है। सबसे पहले ये मान लो कि एक स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म हुआ, एक सिंपल स्लाइडर हुआ और एक क्रैंक हुआ और एक वाल्व है। इस वाल्व से हम स्टीम को पास करवा रहे हैं। स्टीम जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है उसका मान लेते हैं मैग्नीट्यूड इनर्शिया फोर्स है, एफ इक्वल टू ए मान लो ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस कॉस टू थीटा बाई एन, जो कि ऑलरेडी हम बहुत पहले डिस्कस किए थे। तो मान लो क्योंकि कोई भी वर्क लगाता है, फोर्स लगाता है, कहीं ना कहीं फोर्स को ट्रांसफर करा, तो स्टीम भी एक जो फोर्स लगाया वो इनर्शिया फोर्स है, ग्रेविटी को हम लोग इग्नोर करके चल रहे हैं। तो ये फोर्स लगाया, यहाँ से स्टीम पास करवाएं, तो यहाँ पे क्योंकि ये मूवमेंट अपने आप नहीं होगा, कुछ ना कुछ इसके ऊपर फोर्स लगना चाहिए, तो फोर्स हम स्टीम के ज़रिए से दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ से एक मोशंस हुआ, एंगल थीटा तैयार हुआ। जब ये थीटा 90 डिग्री पर पहुँचा, जैसे 90 डिग्री, ये हो गया एफ टी इंटू आर। ओके, तो फोर्स का डायरेक्शन ऐसे, तो रोटेटिंग होगा दिस डायरेक्शन। ओके, तो टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा, आप तुमको इस पोजिशन से लोगे, अगर ये रोटेशन ऐसे होगा तो इफेक्ट इधर पड़ेगा मेरा, तो इसको जस्ट उल्टा करेंगे, उसको हम लोग इस हाथ से लेंगे। ओके, तो रोटेशन ये होगा, तो फोर्स इनटू दिस, तो रोटेशन इसका टॉर्क इधर लग रहा है। तो 0 से लेके 180 के बीच में फिगर बना हमारा ऐसा, फिगर बना हमारा ऐसा, और इसको हम दूसरे पेज में भी ज़रा ड्रॉ कर देते हैं क्योंकि फाइनल डायग्राम ड्रॉ करेंगे हम लोग। तो ये हो गया टॉर्क, ये हो गया क्रैंक एंगल। तो 0 से लेके 90 मैक्सिमम एंड देन 90 to 180 इज मिनिमम। ओके, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज द मिनिमम वैल्यू। 0 डिग्री, दिस इज द 90 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री, दैट इज द हाफ रोटेशंस। ये हुआ हाफ रोटेशंस, यहाँ से शुरू हुआ और घूम के हाफ रोटेशन पर आके रुक गया। अब 180 के पास आके रुकने के बाद अब इसको फिर यहाँ से वापस होना है, तो हम क्या करते हैं कि हम फिर दूसरे केस में जब चीज़ वापस यहाँ पे आ गया, जैसे यहाँ पे ये चीज़ हो गया, यहाँ पहुँच गया, मतलब ये कनेक्टिंग रड जो था रोटेट, यहाँ पे जो क्रैंक है, ये क्रैंक पहले यहाँ पे ऐसे था, ऐसे गया और फिर क्रैंक ऐसे हो गया, अब क्रैंक फिर घूम के ऐसे आएगा। ओके, ऐसे, तो अब क्रैंक अभी पोजिशन इस तरह से है। ओके, तो ये हो गया फिक्स पॉइंट, ये कनेक्टिंग रड, ये क्रैंक, तो अब ये चीज़ ऐसे घूमेगा। तो अभी ऐसे घूमने के लिए कोई तो स्लाइडर के ऊपर फोर्स लगाएगा, तो हम क्या किए कि फिर एक यहाँ पे एक बल्ब दे दिए। अब यहाँ पे क्या है, फिर यहाँ से बल्ब से हम लोग एक स्टीम अप्लाई कर रहे हैं। ओके, मैं दो दो टाइप का स्टाइल, एक यहाँ पे स्टीम, यहाँ पे स्टीम, तो एक फॉरवर्ड, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड स्टॉक के लिए, इसको बोलते हैं बैकवर्ड। तो ये हो गया आउट स्टॉक, ये हो गया इन स्टॉक। ओके, तो किताब में इसको कहा गया है, फॉरवर्ड को कह दिया गया है आउट स्टॉक, इसको कहा गया है इन स्टॉक, अंदर की तरफ। तो एक स्टीम अप्लाई करके फिर इसको हम ऐसे यहाँ से हम इस चीज़ को, इस स्लाइडर को यहाँ से इधर खींचेंगे, तो तब ये क्या होगा, 0 से लेके 270 और फिर 360 डिग्री, दैट इज द वन कंप्लीट रोटेशन। तो अगर हम लोग 200 sin 270 का वैल्यू तुम कैलकुलेट करके देखोगे तो इसका वैल्यू आता है नेगेटिव में, ठीक है। तो नेगेटिव का मीनिंग क्या है, नेगेटिव का मीनिंग ये हो गया, तुम यहाँ पे देखोगे कि जब यहाँ पे ये आएगा तो क्रैंक ये चीज़ है जो कनेक्टिविटी की इधर खींचेगा, तो दिस एफ टी इंटू आर, तो फोर्स डायरेक्शन क्या होगा, अलग हो गया। ओके, तो डायरेक्शन की फोर्स एक वैक्टर क्वान्टिटी होता है, तो डायरेक्शन इज चेंज हियर, तो दिस एफ टी इंटू आर इज कॉल्ड द टॉर्क, तो टॉर्क डायरेक्शन अब इधर, तो टॉर्क का हमें जो डायरेक्शन है वो मेरा सेम है। ओके, तो क्योंकि रोटेशन जो है दिस वैल्यू एंड फिर जो एफ या एफ टी ए टी, तो इम्पैक्ट कैसे पड़ रहा है दिस, तो टोटल जो रोटेशन पड़ रहा है मेरा ऐसा ही पड़ रहा है, तो जो टॉर्क का जो डायरेक्शन है वो हमेशा सेम है। तो क्योंकि टॉर्क का डायरेक्शन कैसे कैसे निकालते हो, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड फ्लेमिंग्स रूल को देखोगे तो उस हिसाब से मेरा डायरेक्शन निकल जाता है, मतलब फोर्स इंटू आर को मल्टीप्लाई करके ये निकलता है, तो दिस डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क। तो ये हमारा इम्पैक्ट हुआ, तो इसमें भी एफ टी इंटू आर से तो हमारा जो रोटेशन होगा देखोगे दिस डायरेक्शन दिस, तो ये हो गया मेरा, ये इस डायरेक्शन से घूमेगा, तो डायरेक्शन मेरा सेम हो गया, तो मतलब टॉर्क मेरा वो मेरा पॉजिटिव सेंस में
आ गया है। और ये तो हुआ इस फिगर में। दूसरे फिगर से भी समझ सकते हैं कि दोनों केस में मेरा टॉर्क या फोर्स को हम लोग सेम डायरेक्शन में ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो जो स्टीम गया तो वर्क डन ऑन स्लाइडर, ओके वर्क डन ऑन स्लाइडर, ओके और इसमें क्या है वर्क डन ऑन स्लाइडर, दोनों केस में वर्क डन ऑन स्लाइडर ही हो रहा है। तो बाहरी फोर्स हम देख के इस स्लाइडर को मूवमेंट कर रहे हैं, ओके और ये स्लाइड कर रहा है, और उस हिसाब से इस स्लाइडर के इम्पैक्ट से यहाँ पे कंप्लीट रोटेशन हुआ। तो वन कंप्लीट रोटेशन में एंगल 360 हो रहा है, जिसमें से जो टॉर्क है उसमें वेरिएशन हो रहा है। तो वर्क डन ऑन पिस्टन, तो शुरुआत का 0 से लेकर हम चलें 90, 90 से लेकर 180, ठीक है, उसके बाद फिर 180 से, फिर 180 से फिर 360 के लिए हमको वर्क डन ऑन पिस्टन पे ही, स्लाइडर पे ही काम करना पड़ रहा है। और ऐसे भी देख लिए कि जो टोटल जो इम्पैक्ट है वो मेरा रोटेशन क्लॉक वाइज डायरेक्शन पे है, तो मतलब है कि ये मेरा पॉजिटिव सेंस में मेरा आएगा। ओके तो ये मेरा फिर से पॉजिटिव सेंस में मेरा आएगा। ओके तो 180 यहाँ पे फिर कितना एंगल 270 अगर, लेकिन नेगेटिव सेंस में फोर्स होगा वो नेगेटिव टर्म होगा, देन 360 डिग्री। तो पूरे एक रोट, इसको बोलते हैं टोटल वन रोटेशन। तो वन रोटेशंस जो मेरा एंगल है, जो इम्पोर्टेंट एंगल्स है वो 0, 90, 180, 270 और 360, जिसमें से टॉर्क का जो वैल्यू है 3 जगह 0 आ रहा है, दिस दिस एंड दिस, और 2 जगह मैक्सिमम टॉर्क आ रहा है, दिस एंड दिस। तो जो 2 जगह मैक्सिमम टॉर्क और ये हमारा मिनिमम 0 टॉर्क, इसके अलावा टॉर्क का वेरिएशंस इसके बीच में हर जगह पे वेरिएशंस में टॉर्क आ रहा है, हर जगह में वेरिएशंस टॉर्क आ रहा है। और नाउ इस फिगर में अगर हम देखा जाए तो टोटल वर्क कितना होगा, तो वर्क हम पहले बता चुके हैं टॉर्क इंटू थीटा को मल्टीप्लाई कर देंगे तो दो चीज़ निकल जाता है। जब दो चीज़ को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकलता है, तो जैसे कि इसको समझने के लिए बहुत बेसिक क्लास 6 या क्लास 5 में पढ़ोगे एरिया, तो अगर ये हम दो चीज़ एक्स ले लें, इसको वाई ले लें, जब दो चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलता है एरिया। ओके तो ज़्यादा इसमें डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्यों कैसे निकाला जाता है इसको वर्क को, है तो सिंपल हो गया टॉर्क इंटू थीटा को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा वर्क निकल, मतलब एक एरिया निकला। तो ये जो एरिया है वही टोटल वर्क निकलेगा जब हम टाउ को, टी को हम थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे फॉर हाफ रोटेशन, और फॉर कंप्लीट रोटेशन में टोटल इसका एरिया निकल जाएगा मेरा ओ। तो कुछ कुछ नेमिंग हम यहाँ पे कर देते हैं, नेमिंग मतलब जैसे कि ओ, ओके यहाँ पे ये अभी हम डिस्टेंस को डिस्कस करेंगे क्या होता है मेरा। फिलहाल हम इस फिगर को रेडी कर देते हैं, फिगर को रेडी कर देते हैं। अब ये फिगर, अब ये की लाइन क्या, अभी हम इसको डिस्कस अभी हम नहीं रोक कर रहे हैं। ओके ठीक है, यहाँ पे ओ हो गया, और यहाँ पे इसको एफ मान लेते हैं, इसको जी मान लेते हैं, इसको एच मान लेते हैं, इसको पी, यहाँ पे पी मान लेते हैं, इसको के मान लेते हैं, और इसको हम लोग क्यू मान लेते हैं, एक नेमिंग कर लिए। और यहाँ से एंगल को हम लोग ए मान लिए, और यहाँ से इसको बी मान लिए, इसको यहाँ से हम लोग सी मान लिए। ओके तो ये थोड़ा सा रेड पेन का यूज़ कर लेते हैं, याद रखना है कि जो क्रैंक का मूवमेंट है, अब हमको एक्चुअली कैलकुलेट करना है कुछ ऐसा कैलकुलेट करना है जो कि इसका डायग्राम का जो थीम है। तो ये 0 to A इंडिकेट कर रहा है क्रैंक का मूवमेंट 0 to A के बीच में, और फिर A से फिर B का मूवमेंट। तो इस फिगर में देखोगे अगर हम कहेंगे भाई क्रैंक का मूवमेंट हो रहा है 0 to A, तो 0 का मतलब हो गया एंगल 0, A का मतलब हो गया कुछ सर्टेन एंगल हो गया, A का मतलब कुछ सर्टेन एंगल हो गया, मतलब कुछ भी एंगल मान सकते हैं। उसके बाद इस पे 90 डिग्री, B का मतलब मोर देन 90 डिग्री, उसके बाद 180। तो O से A, B का मतलब होगा, इसका फिगर तुम ड्रॉ करना के लिए कहोगे क्रैंक के बारे में कहा जाएगा, क्रैंक पे डायग्राम ड्रॉ करो, तो ये टर्निंग पेयर दिस, ये मेरा थीटा हो गया। तो 0 से A के बीच में कोई एंगल थीटा, मतलब ये मेरा 0, ओके 0 हो गया एंगल, ये हो गया मेरा एंगल इस पोजीशन पे A, एंगल थीटा। अब फिर देखोगे बी तो 90 से बड़ा है, तो 90 से बड़ा मतलब ये तो मेरा 90 हो गया, तो बी कहाँ पर होगा, तो बी यहाँ पे होगा मेरा, तो मतलब जब ये क्रैंक मेरा यहाँ पे पहुँचेगा तो ठीक है, क्रैंक तो ये हो गया मेरा बी। तो ये एंगल ये 90, तो एंगल हो गया मेरा कोई भी एंगल, मतलब कि एंगल मोर देन 90 डिग्री। तो ओ से ए,
अफी ओ से बी, तो ए से बी के बीच में कितना एनर्जी कितना वर्क ये लेगा, ठीक ना, तो ए से बी के बीच में कितना वर्क लेगा, तो टोटल वर्क लिया मूवमेंट फ्रॉम 0 से लेके 180 के बीच में, वो हो गया एरिया। एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ओ एफ जी एच एंड पी, ये होगा टोटल वर्क डन, ठीक है, कब से लेके 0 से लेके 180 के बीच में। अगर हम कहेंगे बताओ टोटल वर्क डन प्रोड्यूस बाय द क्रैंक बिटवीन ए टू बी, ए से बी के बीच में, तो जवाब होगा ए एफ जी एच बी, क्योंकि ए बी के बीच में ही 90 डिग्री आ रहा है, तो 90 मतलब मैक्सिमम, तो मैक्सिमम तो इसका हो क्रॉस हो गया, इसका मतलब कि ए से बी के बीच में जो वर्क एनर्जी निकलेगा, रेड पेन का यूज, रेड पेन कहाँ, ये हो गया, तो वो हो गया दिस डायग्राम, दिस एरिया, ओके ये हो गया मेरा एरिया, कब से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में, ओके ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे।